मॉर्निंग गाइस, और मैं अभी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और ये क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे सब मेरा राइडिंग गियर्स मैंने ये सब रेडी करके रखा है, बस पहन के अभी निकलना है। अभी कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बेड पे बैठ के मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रही थी। तो अभी टाइम हो गया है 6:30 हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मेरा बैग सब कुछ लगेज वगैरह मुझे बाइक पे फिट करना है, फिर उसके बाद देखते हैं गाइस टाइम कितना लगने वाला है। तो अभी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। मैं अभी आ गई नीचे और मैंने सारा सामान बाइक पर लगा दिया है और इसको गेट को खोल कि वो गिर जाए नीचे, क्योंकि तो मैं लड़ राइट पे दूर पे जा रही हूँ तेज़ हवा की वजह से, और नहीं तो ऐसे अगर गिर जाता, इसीलिए मैं उसको निकाल अच्छे से रखी हूँ बैग पे। तो अभी चलते हैं गाइस यहाँ से, अभी और कितना टाइम लगने वाला है पता नहीं गाइस। पहले चलते हैं नौगांव पहुँच के देख, और अभी तो यहाँ से तो स्ट्रेट ही है, सीधा रास्ता है, तो यहाँ पे मैं मैप ऑन नहीं करूँगी। मैंने डिस्टेंस देखा था गुवाहाटी टू दिमापुर, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। तो गाइस आज मैं 300 किलोमीटर चलाने वाली हूँ। तो अभी बज गए हैं 7:50, मैंने टाइम देखा 7:50 ऐसा हुआ है अभी। तो कितने बजे पहुँचेंगे पता नहीं गाइस, अगर मैं सीधा जाऊँगी बिना रुक के तो आई थिंक जल्दी पहुँच जाऊँगी, अगर मैं रुक रुक के जाऊँगी तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम जाने वाला है, थोड़ा लेट ही होने वाला है। तो मैं अभी पहुँच गई हूँ जोराबाद, और यहाँ से नौगांव 112 किलोमीटर दिखा रहा है। तो पहले नौगांव की तरफ चलते हैं, फर्स्ट नौगांव पहुँच के वहाँ से कैसे जाना है देखती हूँ गाइस। मैं भी आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ना वहाँ पे दिमापुर नागालैंड साइड पे, मैं फर्स्ट जा रही हूँ आज फर्स्ट टाइम, सो इसीलिए मुझे वहाँ से मैप ऑन करना पड़ेगा। मुझे ना बहुत नींद टाइप का आ रहा है ना, सो आई थिंक मुझे यही कहीं पे नारियल का पानी पीना होगा। क्या एक नारियल का पानी पी लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नौगांव 36, तो यस गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं, और 36 किलोमीटर है।
गांव का जो गोल चक्कर जो है, सो आई थिंक यही से जाते होंगे ये दिमापुर। सो मैं किसी से पूछ लेती हूँ, नहीं तो मैं वो कर लेती हूँ, मैप में चेक कर लेती हूँ। दिमापुर एटू, ओके अभी चलते हैं गाइस यहाँ से दिमापुर तक। ओहो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैं दिमापुर जा रही हूँ। हाँ, सब तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ही होगा मेरे लिए। तो गाइस मैं अभी पहुंच गई हूँ यहाँ पे और ये मेरा होटल रूम चेक करो। आज का स्टे यही है मेरा, मैं आज यही पर स्टे करने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है मुझे। हालत देख सकते हो, मेरा हालत ख़राब, पूरा हालत ख़राब है मेरा। क्या ही बोल सकते, खाना भी नहीं खाया है गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ये वाला बनाना भी ख़राब ही हो गया है शायद। ये मुझे मंदिर में दिया था वो, जब मैं सुबह को पूजा करके आई थी तब मैंने ये मंदिर में दिया था। मैं ये खा लेती हूँ अभी के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं अभी फ्रेश अप हो लूँ। मैंने ऑर्डर किया था पोर्क नागा थाली। सो देखते हैं गाइस कि यहाँ पे क्या क्या है। पूरा ऐसे प्लास्टिक में दिया है, मुझे पता नहीं क्यों होटल में। इसको फ़ोन को ऐसे रख देते हैं गाइस, रुको, ऐसे प्लास्टिक में क्यों दिया है मुझे नहीं पता। प्लेट में देने, बाहर से ऑर्डर करके लाया होगा एक्चुअली, इसीलिए ऐसे दिया है। तो अभी खा लेते हैं गाइस थोड़ा सा, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, इतना अच्छा नहीं है शायद। खा लेते हैं गाइस अभी इसको। तो गाइस हम लोग अभी जाएंगे बाहर। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा रेस्ट करके लाइक 5-6 बजे को मैं निकलूँगी यहाँ से, मतलब थोड़ा मार्केट में घूमूंगी दिमापुर का मार्केट में। यहाँ पे एक हांगकांग मार्केट है बोला है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। यहाँ पे तो लाइक 5-6 बजे को ही बंद हो जाता है बोला है मार्केट वगैरह सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि हिली एरिया है ना गाइस, इसीलिए जल्दी बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग अभी जाएंगे, यदि अभी बज रहे हैं 3:30, तो अभी हम लोग जाएंगे और थोड़ा कुछ एक दो सामान, मेरा मुझे एक कैब ख़रीदना है, एक
कैब चाहिए था मुझे, तो मैं वहाँ पे देखने जाऊँगी और क्या क्या है क्या नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मिलता है, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने का ट्राई करूंगी गाइस। सो लेट्स गो गाइस। और मैं रेडी हो गई। एक्चुअली मैं मतलब सामान भूल ही जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। लाइक मैं पेन, एक ट्रैक पेन या जीन्स लेके आना चाहिए एक्चुअली। सो मैं मतलब लेके नहीं आई, लॉन्ग पैंट लेके मैं नहीं आई, निकाल के रखी थी लेकिन मैं भूल गई। सो गाइस मैं अभी ये पैंट लेके आई थी, मैं यही पहन के जा रही हूँ अभी, फ्लैश ऑन करके रखा है। सो मैं अभी यही पहन के जा रही हूँ विथ माय चप्पल क्रॉक्स। ये गंदा हो गया है बट स्टिल मैं पहन के जाऊँगी अभी। सो चलते हैं गाइस। और यहाँ पे है मेरा एक फ्रेंड है जो कि वो टूरिस्ट गाइड है, लोकल टूरिस्ट गाइड है, तो वो लोग यहाँ पे मतलब जितना भी टूरिस्ट है वो लोग लेके जाते हैं जुको वैली तक। तो मैं उन लोग का साथ ही जाऊँगी। सो मैं आप लोगों को मिलाऊँगी। तो वो रेडी हो रहे हैं, वो दूसरा रूम पे है, तो वो रेडी हो रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। सो बाइक मैंने यहाँ पे ही रख दिया है, यहाँ पे रखने का जगह नहीं है, सो मैंने यहाँ पे अंदर ही रख दिया है बाइक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो पास में ही है बोला है, तो जाके देखते हैं गाइस। और ये वाला भैया है, उन लोग का ये है क्या बोलते हैं, हाँ उन लोग का इंस्टाग्राम पेज है यह वाला। वो टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। चलते हैं गाइस। यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज का नीचे भी है, ये होटल है। मैं चढ़ गई हूँ ब्रिज का ऊपर और ये है दिमापुर, और अभी चलते हैं गाइस। हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा वगैरह है, देख सकते हैं। ये तो क्या बोले, कहा हांगकांग मार्केट, हाँ इसको हांगकांग मार्केट बोलते हैं। और एपक घुरिया हिन्नो, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा सामान मिल जाएंगे, चप्पल वगैरह भी है। एक तो वहाँ पे भी था हांगकांग मार्केट, सिलीगुड़ी तो आसे था हांगकांग मार्केट, सिलीगुड़ी कौन के कौन नाम है अभी कौन से है नहीं ये। अच्छा हाँ हाँ ओ बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, कपड़ा बहुत सारे। वो दिमापुर होते तो कपड़ सस्ता पाए बोली सुनी से दो ना, यहाँते पाए मैंने, यहाँ पे मिल जाएंगे अभी लोग को बहुत सारा। देखते हम लोग देख रहे हैं कैप ना, यहाँ पे बहुत सारा है। किमान एक टका न, एक टका एक टका इमान बेसी दाम कैसे, बहुत ज्यादा है। ইয়াতকে এনেই এনেই ডিমাপুৰত বস্তু সস্তা বুলি কয়, কিন্তু ইয়াতে দেখোন বেছি দাম, ইয়াতে দেখোন বেছি দাম। আইনাটো ক'ত, চপ্পল কেছ লাগ ৰ গাইছ 300 হে গাইছ, আগৰ চাই তো লে লেনা ইয়ে চপ্পল। তো বহুত সাৰা টি শ্বাৰ্ট হে 380 टी शर्ट लोग का प्राइस कम है यहाँ पे, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। कैसे दे रहे हैं भैया ये सब चप्पल, कितना 160 खराब तो नहीं हो जाएगा, खराब नहीं होगा, नहीं होगा। सो ये सब देख सकते हैं, कितना बोला 160 होलसेल का ना, होलसेल 160। देखो गाइस इतना सुंदर सुंदर चप्पल है यहाँ पे। हाजी पार्क, अच्छा ओ हाजी पार्क, हाँ ये हाजी पार्क ये दुकान का नाम है, यहाँ पे मार्केट, ओ मार्केट का नाम है। ओके ओके ओके, एकदम ओरिजिनल निशान लगी है ना, ये तो ओ ये तो दिमापुर ट्रेन स्टेशन ना, ये तो यार पर ना जाए ना, हाँ तीन नगालैंड रहता है स्टेशन का, तो ये है तो ये है ना ट्रेन स्टेशन सॉफ्टवेयर। আমি কোন ফালে হেই ফালে দি আইছিলো ন, অ আমি এই যে তলো ফালে, অ আমি হেই ফালে এইটো ব্লু কালার, ব্লু কালার ট্রেন না, এটো হইছে ডিমাপুর ট্রেন স্টেশন। এন্ড মানে বেশি মানু ইয়াতে আহে, ইয়াতে আহে নহলে এয়ারপোর্ট আছে, অ তাতে আহে ইয়াতে তো মানু কিটা
শপিং কৰি কৰি লৈ যাওঁ আৰু ইয়াতে হসাগে মানুহখিনি ইয়াতে আহিব আৰু শপিং টপিং কৰি আৰু যায় আৰু অ হসাগে ইয়াতে শপিং কৰিব হলে ইয়াতে আহিব লাগে হসাগে ট্ৰেনত উঠি পেলে ফটককে ট্ৰেনৰ টিকেটটো দামো নহয় ন ইমান 50 টকা লয় জুৰ হ ইমান কম সো ভালে শপিং কৰিবলে আকো আহিম ফৰ্ষ্ট ট্ৰেকটো কমপ্লিট কৰি লওঁ তাৰপিছত আহি এবাৰ ৰাস্তাটো ভালকে চাই লও পাৰিছে কহিমা দিয়া পিছত ৰাখিব পাৰিবা বেলেগ বেলেগ জেগা সমৰ্থন কৈছিলো যে বঢ়িয়াকে যাব পাৰিবা যাব লাগিব ৰাস্তা বনাই আছে मैं आ गई हूँ मेरा रूम पे और मैंने लिया था ये वाला कैब क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल जुको वैली गाइस सो हम लोग जा रहे हैं जुको वैली तो उसके लिए वहाँ फोटो खींचने के लिए लिया है कैसा लग रहा है गाइस ये आई थिंक 180 में ये लिया है और एक लिया है मैं वो भी दिखा देती हूँ तो और एक है ये वाला ये निकाल लेते निकाल दिया और ये वाला ये कैसा लग रहा है गाइस एडिडास नकली वाला देखो गाइस ये भी शायद 200 हम लोगों ने लिया था तीन तो कैसा लग रहा है गाइस अच्छा लग रहा है ना वाओ ये पहन के जाऊंगी कल और फोटो खींचूंगी गाइस जुको वैली पे आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देखना बहुत ही सुंदर है जुको वैली मैं आप लोगों को दिल्ली के जाऊंगी कल सो गेट रेडी गाइस अभी मैं थोड़ा वीडियो एडिट कर लेती हूँ वीडियो एडिट करके मैं मुझे सोना था एक्चुअली लेकिन अभी मैं सोने से फिर रात को नींद नहीं आएगा मेरा तो इसलिए आई थिंक मैं नहीं सोऊंगी अभी मैं थोड़ा वीडियो वगैरह कुछ एडिटिंग वगैरह करती हूँ फिर पैकिंग भी करना है कल सुबह को निकलना है यहाँ से जुको वैली तक लोग कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे तो कैसे क्या करूँगी मैं आप लोगों को सब डिटेल्स में बताऊँगी कैसे जाना है क्या करना है मैं आप लोगों को सब डिटेल्स में बताऊँगी गाइस तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट मैं आज का वीडियो में ही पैन कर रही हूँ तो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे टिल देन Bye bye, love you all and ride safe, be safe and bye bye guys, love you all. बहुत नींद लग रहा है guys, बहुत नींद लग रहा है. Bye bye. मेरा dinner, dinner में कर रही हूँ अभी रोटी खा रही हूँ मैं. So मैं सो गई थी. Video edit कर रहा था, फिर बहुत नींद आ गया तो मैंने सो गया था. So अभी उठ के फिर से मैं dinner कर रही हूँ. तो अभी बज गए 8:30 और मैं जल्दी डिनर कर रही हूँ डिनर करके मैं सो जाऊँगी क्योंकि बहुत नींद लग रहा है गाइस